यहाँ 10 बज चुके हैं और भारत से लेकर अमेरिका तक टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो ऑन हो चुके हैं। आज पूरी रात आप अमेरिका में हो रहे सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे। भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में से 26 करोड़ वोटर आज तय कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया पर बड़ा असर डालने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे मतदान पर लगी है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने खास तैयारी की है। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा न्यूयॉर्क से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रात भर भारत और अमेरिका दोनों जगह ही टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में विशेषज्ञों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से जो आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, अभी भी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। 150 मिलियन अमेरिकी अपना मतदान कर रहे हैं, 8 करोड़ लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं। नए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि एडवांस वोटिंग जो होती है उसमें करीब करीब आधे जो मतदाता हैं वो अपना मतदान अभी तक कर चुके हैं। और जितने भी पोलस्टर्स हैं, जितने भी सर्वेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही करीबी ये चुनाव पूरा होने वाला है। और फिलाडेल्फिया में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको फिलाडेल्फिया की दिखाएंगे, जहां के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। फिलाडेल्फिया में कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, वहां के जो चैनल बता रहे हैं उनके रिपोर्टर्स तक ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी इतनी लंबी कतारें फिलाडेल्फिया में नहीं देखी गई हैं। और क्यों है ये इतना सिग्निफिकेंट, क्यों है ये इतना ज़रूरी? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट है, इलेक्टोरल वोट्स, और उसके साथ साथ एक स्विंग स्टेट भी है फिलाडेल्फिया, और यहां पर बड़ी बड़ी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। एक ऐतिहासिक चुनाव ये है। तो अगर आपको बताया, आपको कई सारे लोग बार बार ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि इतने सारे स्विंग स्टेट हैं अमेरिका में, स्विंग स्टेट इस बार बहुत अहम होने वाले हैं, तो बात इन्हीं स्विंग स्टेट की कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स या फिर स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य चुनावों के परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 50 राज्यों में से हर राज्य राष्ट्रपति के लिए अपना वोट डालता है, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं, यानी कि 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्विंग स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, वो अमेरिकी चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। स्विंग स्टेट्स पर हर किसी की नजर होती है, इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है, और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर साबित होते हैं। तो कौन से हैं ये स्विंग स्टेट्स, ये हम आपको दिखा देते हैं। पारंपरिक रूप से ये स्विंग स्टेट्स रहे हैं विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, ये स्विंग स्टेट्स हैं। और इनकी हिस्ट्री कैसी रही है, मिशिगन, तो देखिए आप, विस्कॉन्सिन पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट रहा है, मिशिगन 2016 में रिपब्लिकन पर 2020 में डेमोक्रेट्स यहां पर जीते थे, पेंसिल्वेनिया 2020 में यहां डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, नॉर्थ कैरोलिना दोनों पार्टियों के बीच बहुत ही करीबी यहां पर मुकाबला है, जॉर्जिया 2020 में डेमोक्रेट्स यहां जीते थे और 2020 में डेमोक्रेट्स एरिजोना भी जीते थे। तो ये स्विंग स्टेट्स किसके पाले में जाएंगे, यही फैसला करेगा कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। आप और कौन सा राज्य फिलहाल किसके साथ है देख लेते हैं, दोनों तरफ के बैलेंस क्या बन रहा है फिलहाल। डेमोक्रेट्स, और जिसको हम अगर हम अपनी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि ये फलां पार्टी का गढ़ है, तो उसी तरीके से अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें, उनके झुकाव वाले राज्य या उनके गढ़ कौन से हैं, वो है कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ओरेगन, न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मैसाचुसेट्स। जहां तक रिपब्लिक्स का सवाल है, टेक्सास, अलबामा, और इसीलिए इनको रेड स्टेट ब्लू स्टेट कहा जाता है। तो जब कोई आपका गढ़ है तो कोई, अगर आप देखेंगे कि रिपब्लिकन स्टेट कौन सा है उसको रेड स्टेट कह देंगे। टेक्सास रेड स्टेट है, अलबामा रेड स्टेट है, ओक्लाहोमा, केंटकी, ओहायो और फ्लोरिडा, ये सारे रेड स्टेट्स माने जाते हैं, और ब्लू स्टेट्स वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक झुकाव वाले राज्य हैं, ये 6 स्टेट्स। तो ये तो हो गए गढ़, और स्विंग स्टेट्स इनके बीच के होते हैं।
वो कई बार बदल भी जाते हैं, पर उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में फैसला होता है। यशवंत देशमुख, सोशियोलॉजिस्ट, सी वोटर, न्यूयॉर्क से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंटो शर्मा, पत्रकार, कैलिफोर्निया से हमारे साथ है। ज्योत्सना शर्मा भी पत्रकार, वो न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। और रविंदर सचदेव, फॉरन अफेयर्स एक्सपर्ट। मनीष झा, मेरे सहयोगी, न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव है। वॉल टू वॉल कवरेज हम आपको यहां दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले किसी भी चुनाव में हम ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कौन इस वक्त आगे, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। दीपक जी, कौन आगे लग रहा है? एक तो आभारी हूँ कि आप जब मौका देती हैं आपके शानदार चैनल पर आने का, और जब आपकी बात सुनता हूँ इट बिकम्स क्लियर क्यों TV9 जाता है सर्वश्रेष्ठ। थैंक यू वेरी मच। आपने एम्बेसडर महेश सचदेव को यहाँ बुलाया, रविंदर जी को बुलाया, इन दोनों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन पहली चीज, इस समय मामा अमेरिका मैटरनिटी हॉस्पिटल में है। हाँ। कुछ घंटे में पता लगेगा लड़का है या लड़की है, उसका फिर उसी हिसाब से हम सेलिब्रेशन करेंगे। इस समय मेरा मानना है, अगर बेसिक इश्यूज ली जाएं, जो कि है इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी बड़ी चीज है, और इलीगल इमिग्रेशन, कहते हैं 7 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के इलीगल इमिग्रेंट्स भी उस देश में है। अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए जो अमेरिकन को हर्ट कर रही है, पिछले 4 साल में 4-5 गुना कीमतें बढ़ी हैं, तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी मैकडॉनल्ड्स में पहुंच ही गए थे।